आज हम मांग के नियम लागू होने के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाई लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल इन अवर रियल लाइफ आर मांग रेखाएं नीचे की ओर क्यों झुकती है। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। मांग वक्र जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप्स का होता है या उसका जो झुकाव है वो नीचे की ओर क्यों होता है, बाई से दाई ओर। तो इसका हम अध्ययन करेंगे आज। तो इसके कारण है, जैसे कि हम देखते हैं कि मांग का नियम अपने आप में किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। अर्थात लॉ ऑफ डिमांड टेल अस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड्स। अर्थात मांग के नियम हमको ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है। तो यह उल्टा संबंध होने का कारण क्या है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो उससे संबंधित मांग कम हो और कीमत घटे तो उससे संबंधित मांग बढ़ जाए। तो ये किन कारणों से होता है? तो इसके कारण मुख्यतः चार कारण हैं और उन चार कारणों में से पहला जो कारण है वो महत्वपूर्ण है। नंबर एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं उपयोगिता ह्रासमान नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। मांग का नियम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। सामान्यतः एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के ही अनुसार देता है। मतलब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु की कीमत उस पर वो उस वस्तु में जो सीमांत उपयोगिता होगी उसी के आधार पे तय करेगा या उसी के आधार पर वो कीमत देने को राजी होगा, तैयार होगा। हम देखते हैं कि किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का एक एडिशनल इकाइयों का प्रयोग करते रहने से, निरंतर प्रयोग करते रहने से उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार क्या होगा, उसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आएगी। अर्थात जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग निरंतर बनाए रखते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होते जाती है या घटते जाती है। अतः उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयों को तभी खरीदेगा जबकि उसकी कीमत कम, मतलब कम कीमत पर ही वो ज्यादा इकाइयों को खरीदेगा। क्योंकि हमें पता है कि निरंतर किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होते जाती है, डिमिनिशिंग होते जाती है, घटते जाती है। इसीलिए वो किसी वस्तु के को ज्यादा मात्रा में तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत में कमी आ जाए या उसका कीमत घट जाए, एक तरफ। दूसरी ओर हम देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की कम मात्रा मिले या कम मात्रा उपलब्ध हो तो ऐसे समय में वो उसके लिए उपयोगिता बढ़ जाएगी। मतलब कम मात्रा में अगर कोई वस्तु अवेलेबल है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी और ऐसे समय में वो व्यक्ति उस वस्तु के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार होगा। मतलब यहां पर
उपयोगिता बढ़ने पर क्या होगा कि वो व्यक्ति या वो उपभोक्ता उसको ऊंची कीमतों पर खरीदेगा। इस प्रकार घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें ये बताता है, मांग का नियम का स्पष्टीकरण देता है कि उपयोगिता कम तो कम कीमत देने को तैयार होगा और उपयोगिता ज्यादा तो वो ज्यादा कीमत देने को तैयार होगा और इसीलिए मांग का नियम लागू होता है और इसीलिए मांग रेखा नीचे की ओर डाउनवर्ड होगा। दूसरा मुख्य कारण है मांग का नियम का लागू होने का, वो है प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स क्या है इसको हमको समझ लेना होगा कि अन्य वस्तुओं के कीमतें अपरिवर्तित रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो वह वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती लगने लगती है या अन्य वस्तु इस वस्तु की अपेक्षा महंगी प्रतीत होने लगती है। अतः वस्तु की कीमत गिरने पर उपभोक्ता या लोग इस वस्तु का अन्य वस्तुओं का के जगह में जिनकी कीमत परिवर्तित नहीं होती या अपरिवर्तित रहती है के स्थान पर प्रतिस्थापन करने लगते हैं। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत गिर जाने से प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव यानी क्या कि इसमें फॉर एग्जांपल यदि हम देखेंगे चाय एंड कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाते हैं। मान लो कि चाय की कीमत कम हो जाती है और कॉफी की कीमत पहले ही जैसा होता रहता है या कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर क्या होगा कि चाय की कीमत गिरने के कारण चाय पहले की अपेक्षा और सस्ती हो जाएगी और जो लोग काफी पीते थे चाय की तुलना में काफी महंगी हो जाएगी और इसीलिए काफी पीने वाले लोग भी चाय का डिमांड बढ़ाएंगे या चाय पीने लगेंगे, जिसके कारण चाय की कीमत कम होने पर उसकी मांग पहले से ज्यादा की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी पीने वाले लोग भी चाय पीने लग जाएंगे या चाय का डिमांड्स करने लग जाएंगे और इस तरीके से चाय का मांग बढ़ जाएगा। अगर इसके विपरीत यदि हम बात करें, यदि कॉफी का कीमत स्थिर है और ऐसे में चाय की कीमत बढ़ जाए तो होगा क्या, चाय की कीमत बढ़ जाने से लोग चाय पीना कम करेंगे, उसके जगह पर कॉफी पीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी तुलनात्मक रूप से पहले की अपेक्षा सस्ती हो गई और इसीलिए यहाँ पर चाय की कीमत बढ़ने के कारण लोग चाय के जगह कॉफी को सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करेंगे, कॉफी का प्रतिस्थापन हो जाएगा या कॉफी को लोग ज्यादा प्रिफेर करने लग जाएंगे। इस तरीके से प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत या प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है या मांग रेखा का स्वभाव डाउनवर्ड्स होता है या मांग रेखा का जो नेचर है वो डाउनवर्ड्स होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
नेक्स्ट कारण है मांग के नियम लागू होने का, वो है इनकम इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं आय प्रभाव। तो आय प्रभाव क्या होता है या व्हाट इज इनकम इफेक्ट्स, ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु के कीमत में होने वाले कमी वास्तविकता में उपभोक्ता के आय में वृद्धि करता है। अर्थात उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा हो और उसकी कीमतों में कमी आ जाए, तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उस उपभोक्ता के आय में वृद्धि हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, यदि चाय की कीमत 300 रुपए पर केजी से गिरकर 200 रुपए पर केजी हो जाता है, तो यहां पर जो उपभोक्ता चाय का उपभोग कर रहा है उसको पहले की अपेक्षा 100 रुपए कम देना पड़ेगा, 100 रुपीज कम पे करना पड़ेगा। तो यहां पर इनडायरेक्टली रूप से उस उपभोक्ता के आय में 100 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है, 100 रुपए से वृद्धि हुआ है, और इस 100 रुपए के वृद्धि से वो पहले की अपेक्षा ज्यादा चाय खरीदेगा। यही है आय प्रभाव। इसके विपरीत यदि पोजीशन हो जाए, 300 रुपए मिलने वाला चाय अगर 400 रुपए केजी हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वास्तविक रूप से उस उपभोक्ता के आय में कमी आएगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो उपभोक्ता 1 केजी चाय खरीदता था और 1 केजी चाय खरीदने के लिए वो पहले 300 रुपए देता था, अब उसको 400 या 400 रुपए पे करना पड़ेगा और यहाँ पर 100 रुपए उसको पहले की अपेक्षा ज्यादा देना है। तो 100 रुपए वो पहले से अपेक्षा ज्यादा दे रहा है या ज्यादा खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर उसके आय में कमी आएगी, और आय में कमी आएगी इट मीन्स कीमत बढ़ने पर उसका डिमांड कम होगा, या कीमत सॉरी आय बढ़ने पर उस वो व्यक्ति या वो उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं का कम मांग करेगा। और इस तरीके से हम इनकम इफेक्ट के अंतर्गत देखते हैं कि वस्तु के कीमत में होने वाले वृद्धि वास्तविक आय को बढ़ाता है, और इसीलिए वह उपभोक्ता या वह व्यक्ति पहले से ज्यादा वस्तुओं को खरीदेगा। इसके विपरीत वस्तुओं के कीमतों में होने वाला वृद्धि उपभोक्ता के वास्तविक आय को कम करेगा या घटाएगा, और इसीलिए वो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा कम वस्तु खरीदने के लिए तैयार होगा, अर्थात वो पहले से कम वस्तु खरीदेगा, अर्थात यहाँ पर ऊंची कीमत होने पर वो कम वस्तु खरीदेगा, और ये सब आय प्रभाव के कारण हुआ है। और इसीलिए भी यहाँ पर आय प्रभाव बताता है कि कीमत कम तो मांग ज्यादा, और कीमत ज्यादा तो मांग कम, और इस तरीके से यहाँ पर मांग का नियम एप्लीकेबल होगा, या मांग रेखा का जो स्वभाव है या डिमांड्स कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा। मांग के नियम का लागू होने का जो चौथा कारण है वो कारण है इफेक्ट्स ऑफ द एंट्री ऑफ सम न्यू परचेसर्स आर सम गोइंग आउट ऑफ द मार्केट्स, मतलब बाजार में कुछ नए व्यक्तियों का प्रवेश या कुछ बाजार छोड़कर जाने के प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। आप देखते हैं जनरल तौर पे कि यदि किसी वस्तु के कीमतों में कमी आ जाए, तो जितने उपभोक्ता पहले उस बाजार में है उसमें नए उपभोक्ता
और जुड़ जाएंगे या नए कस्टमर और जुड़ जाएंगे, जिससे कि उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मतलब यहाँ कीमत कम तो मांग बढ़ रही है। इसके विपरीत यदि बाजार में वो वस्तु महंगी हो जाए, पहले की अपेक्षा उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कस्टमर उस वस्तु को परचेस कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या जो उपभोक्ता उपभोग कर रहे हैं, वो बाजार से बाहर चले जाएगा या बाजार छोड़कर चले जाएगा। यहाँ बाजार छोड़कर जाने का मतलब कि वहां से ग्राहक कम हो जाएगा, क्योंकि उस वस्तु की कीमत बढ़ गई है। और इस तरीके से कीमत बढ़ने पर उपभोग कम हो जाएंगे, उपभोग कम होने पर डिमांड्स भी कम होगा, मांग भी कम होगा, और इस तरीके से मांग का नियम यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। मतलब बाजार में कुछ नए व्यक्ति आने से या बाजार छोड़कर कुछ लोग बाहर जाने से भी मांग का नियम लागू होगा। बाजार में नए लोग या नए कस्टमर तभी आएंगे जब उस वस्तु की कीमत में कमी आए, या बाजार से छोड़कर लोग तभी जाएंगे जब उसकी वस्तु की कीमत बढ़े। और इस कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मांग के नियम का जो व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है कि नए ग्राहक का आना या पुराने ग्राहकों का जाना। तो इस तरीके से मांग का नियम एप्लीकेबल होता है, या मांग का नियम के अंतर्गत हमको ये पता चलता है कि जब किसी वस्तु की कीमतें कम होगी तो उपभोक्ता उस वस्तु का ज्यादा डिमांड्स करेगा, और इसके विपरीत जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उसके मांग को कम कर देता है। और इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है, यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि कीमत, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और यही है मांग का नियम का अर्थ। और इन सारे कारणों के कारण, इन सारे रीजन के कारण ही मांग का नियम एप्लीकेबल होता है। पहला कारण क्या है कि घटती सीमांत उपयोगिता के कारण, नंबर दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव जिसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव जिसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट, नंबर तीसरा है इनकम इफेक्ट जिसको हम कहेंगे आय प्रभाव, और चौथा कारण जो है बाजार में नए ग्राहकों का आना या बाजार से पुराने ग्राहकों को छोड़कर चले जाना, और इन कारणों से ही मांग का नियम लागू होता है। धन्यवाद।